पहले तो मैं जब से मैं होश संभाला हूँ, बहुत सारे इलेक्शन मैं देखा हूँ। उस इलेक्शन में जहाँ से मैं जब होश संभाला, तब इंदिरा गांधी हो या नेहरू जी हो, ये सोचते थे कि इलेक्शन सब समाजों के लिए, सब लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, धर्मों के लिए ये होना चाहिए। लेकिन आजकल वो माहौल बदलते जा रहा है। एक मिसाल के तौर पर बोलता हूँ, द रीड बिटवीन द टू लाइन्स रिटन बाय द कुशवंत सिंह, उन्होंने एक अपने बुक में लिखा है, जब बायोग्राफी में उन्होंने क्या लिखा है, जब इलेक्शन उस टाइम पे तो कांग्रेस का ही बोले वाला चलता था, तब इंदिरा गांधी ने ये सोच के ये काम कर रहे थे कि अपोजिट में वाजपेयी चाहिए, अपोजिट में बैरिस्टर नाथ पै चाहिए, प्रोफेसर मधु दंडोते, बलराज मधोक, ऐसे लोग पार्लियामेंट में चाहिए। इसलिए आप ये ध्यान करो कि उस टाइम पे वो लोग उनके सीट जहाँ पर बैठते हैं सिर्फ नॉमिनल बैठते थे, कभी कांग्रेस का आदमी, कभी कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जाके वहाँ पर कैनवास नहीं करते थे, ताकि वो चुन के ले। इसलिए इस देश का जो लोकतांत्रिक है वो बरकरार रखे, कि जो जितना अपोजिशन जो रहेगा उतना लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी बढ़ेगा, ये सोच के कर। आज के माहौल में हर इंसान को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर इंसान को वोट देने का हक है, किसको देना है किसको नहीं देना ये भी हक है। हम सिर्फ बोलते हैं, एक कांग्रेस के एक एक एमएलए के नाते मैं यही कहूंगा कि आप कांग्रेस को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस ने जो जो गलतियां की हैं, कांग्रेस ने नहीं किया बल्कि जो यूपी में गवर्नमेंट में सब पार्टियों रहने के बावजूद में जो भी गलतियां हुए उसको सुधारने के लिए तुम हमारे को शिक्षा दिया, हम भोग रहे थे 10 साल हुआ। जिन आज भारतीय जनता पार्टी को आप जो आपने उनको 10 साल दिए, मैं वही पूछना चाहता हूँ, 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पे, अपने प्रणाली के में, जो जाहिरनामा में जो कुछ दिए थे वो फुलफिल हुए क्या? आज इस देश के वासियों, बेलगाम शहर के वासियों ने ये सोचना जरूरी है। ये जरूरी है कि उन्होंने जो जो बात करे थे, जो जो वहां प्रॉमिस करे थे वो हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है, ये सोचना हर आदमी का काम है। बोल रहा हूँ सर, आपकी मैं ये बोल रहा हूँ कि मुद्दा 2010 से 2014 से आज तक जो मैनिफेस्टो में रहे सो, गैस सिलेंडर 400 से आज 1200 तक तो गया, हम 400 के ऊपर ला के देते, हुआ क्या? पेट्रोल का दाम सत्तर से 112 रुपये हुआ, कम हुआ क्या? 30 रुपये करने में जो जो भी है आज, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ क्या? अनएम्प्लॉयमेंट किसी को दे रहे हैं क्या? आज इस देश में 30 लाख, हर एक राज्य में मिलके 30 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है, वो फुलफिल कर रहे हैं क्या? आज जो महंगाई, महंगाई की वजह से हर नागरिक, बड़े अंबानी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो मिडिल क्लास के हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो माइनॉरिटी है, उनको जो तकलीफ हो रहा है उसके बारे में कोई सोचा है क्या? उसके वो जो फुलफिल हुआ है क्या, ये सोचना, इसके बारे में बोलना आप जैसे पत्रकारों का ये काम था। लेकिन मैं बहुत अफसोस से कहना चाहता हूँ कि गए 10 साल में
एक कोई पूछने वाला नेशनल टीवी, मैं आपके बारे में ही नहीं बोलता, लेकिन एक पत्रकार के नाते जो नेशनल पे आज जो जो आज जो आज हम डिस्कशन देखते हैं, जो न्यूज देखते हैं, उन्होंने चुप बैठ रहे। सर, जैसा हम देख रहे हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी, 45 साल का रिकॉर्ड बढ़ गया, डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर चुका है, सब ये तमाम चीजें, लेकिन भाजपा बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तमाम इल्जाम कांग्रेस पर ही थोपती है। जैसा संविधान खतरे में है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है और कांग्रेस धर्म का राजकारण कर रही है और महंगाई बेरोजगारी उन्हीं की वजह से है और तमाम को नेहरू गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से जो बात कर रहे हैं, गए 1.5 महीना मैं सुनते आ रहा, उनके इलेक्शन होता है मुद्दों के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, जो मुद्दों को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, इन्होंने वो किया, उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। मैं ये पूछता हूँ कि आज जो मुस्लिमों को बारे में जितने भी बात करें, अभी परसों ही एक मिसाल के तौर पर परसों के रिजर्वेशन के बारे में बहुत कुछ बात की, ये बेलगाम शहर के वासियों को ये समझना चाहिए, 1994 में वेंकटप्पा रेड्डी जो अहवाल था उसके मुताबिक 1994 में 34% दिए सो थे, आज नहीं हुआ, 94 में हुआ है, फिर बाद में जब तक चलते आया, जब तक येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर रहे वो चलते आया, जब ये बम्बई आए तब वो निकाल दी, वो निकाल के उन्होंने उनके ही कम्युनिटी के लोगों को दिए 4%, फिर बाद में इनो आए, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हमारी गवर्नमेंट आई, ये हमारा फर्ज नहीं बनता, जो कैंसिल किए हैं उसको नया क्या बना है, क्या मोदी बताते हैं, क्या योगी बताते हैं, कौन सा ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये बता दो कि आज तक नया हम कुछ किए हैं, ऐसा बता दो, तुम्हारे पीरियड में था, बम्बई आने के बाद वो कैंसिल किया, हम लेके आए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम नया बनाए, नया मुसलमान को कुछ दर्जा दिए। उसके ऊपर ही मैं बोलता हूँ, कोरोना के टाइम पे बेलगाम शहर में एक वैक्सीनेशन के लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लोग लेके वैक्सीनेशन करा लेते थे, तब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वैक्सीनेशन गल्फ कंट्रीज को भेजते थे, गल्फ कंट्री को भेजने के बाद तब वहाँ के मुसलमान तुम्हारे को चाहिए, बेलगाम शहर के या इस देश के मुसलमान नहीं चाहिए आपको, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सोचना चाहिए, तुम्हारे को अफगानिस्तान से शरीफ के शादी को जाते हैं उनके लड़के को, ये चलता है तुम्हारे को, और इधर दिखाते हैं वहां जाके शेख लोगों के मिट्टी मारते हैं, इधर के मुसलमानों को लात मारते हैं, ये सोचना चाहिए। आज मैं वही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पक्ष हर समाज को, हर धर्म को आज इक्वल देखना चाहती। परसों के एक और एक आपको बोलता हूं कि परसों के हिंडलगा में एक फंक्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसमें माजी MLA संजय पाटिल ने मैडम के बारे में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने जर मराठी जर तुम्हाला या देशाचं भवितव्य बघायचं असेल तर हिंदू धर्मासाठी मतदान करा, यासाठी मी तुम्हाला मत विचार हे आवर्जून सांगतो की तुम्ही राम मंदिरसाठी मतदान करा, तुम्ही मोदी बघून मतदान करा। मी आज विचारतो संजय पाटील साहेब, तुम्ही पहिला हिंदू धर्म स्वीकारा, तुम्ही या कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे तुम्ही जैन धर्माचे आहेत, तुमचं वेगळं धर्म आहे, तुम्हाला तुम्ही ज्या वेळेला
तुम्ही हिंदू धर्म स्वीकारा, त्या वेळेला हिंदू धर्म बद्दल बोला, कशाला लोकांच्या भावना बडकवतो. इवत्तु अंगसंस्थेगळु, इवत्तु प्रजाप्रभुत्व उळिबेकाद्रे ई लोकतांत्रिक ए लोकशाही इदन्न उळिबेकाद्रे ಏನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕರುಂಗ, ಕ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕರೆಂಗ? ಮೈ ಪೂಛತಾ ಹೂ ಇಸ್ ದೇಶ ಕೆ ನೆಹರೂ ಸೇ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ತಕ್ ಚೌತೀಸ್ ಜೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಥೆ, ಬಡೆ ಬಡೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಚೌಬೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ तुम प्राइवेटाइजेशन के तुम्हारे लोगों को दिए. ये भ्रष्टाचार निर्मूलन है. उसी भ्रष्टाचार के निर्मूलन में जब प्राइम मिनिस्टर जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अदानी के विमान में घूम रहे थे, पूरा इलेक्शन किया, इलेक्शन करने के बाद उनको एक बड़ा गिफ्ट मिला, केरल का इस देश का बड़ा बंदर, इस देश का बड़ा बंदर उनको दे दीजिए. यही लोकशाही है. बताइए मेरे को भ्रष्टाचार निर्मूलन. आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर मैं नहीं बोलता, जो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति वो भी अर्थशास्त्र है, उन्होंने कहा एक नोटबंदी और इलेक्ट्रल बॉन्ड ये सबसे बड़ा फ्रॉड है. आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फ्रॉड किया है, ये ऐसा नहीं चलेगा. तो वो उसके हिसाब से भ्रष्टाचार निर्मूल करने वाले हमारे पंत प्रधान, मैं ये पूछता हूं, 60 जो 6 कंपनियां हैं, चंदा दो धंधा लो, जो 33 कंपनीज हैं टैक्स बिल्कुल नहीं भरे, उनको उनसे चंदा लिए, उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड उनके पास लिए, उनको टैक्स माफ किए. जिनका बाकी के एक 62 कंपनीज ऐसे हैं, उनका टर्न हो रही है 1 करोड़ के ऊपर नहीं, उन्होंने 2-2, 3-3 करोड़ दिए. कौन खा रहे हैं ये आप सोचना, ये बेलगाम के शहर के जो नहीं, देश के लोग सोचना. ये जो बोलते हैं ना, जैसा बोलते हैं वैसा नहीं करते. बहुत सारे मैं आपको बोल सकता हूँ ये इसके बारे में. जो आज इस देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने, उसके बेटे जय शाह, उनके अकाउंट पे 80 लाख का टर्नओवर नहीं हुआ था, उनके एक ही दिन 15,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जमा हुए, पेपर में भी आया. क्या हुआ उसके बारे में? जो अदानी ग्रुप का, जो अदानी ग्रुप का जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चाहिए था ऑस्ट्रेलिया से मंगाए, जो भी जो जो मटेरियल मंगाए उसका 60% सब्सिडी मिलता था. 1 रुपये का 100 रुपये करके ऐसा बहुत कुछ पैसा इन्होंने हड़प के केस हुआ. वो केस कहाँ गया सब? आज जिसको जिसको आप जो नहीं चाहिए उनको जेल में डाल रहे, तो फिर ये पैसा कहाँ से आए, कैसे है? बहुत भ्रष्टाचार है. हम बहुत हमारे ये है वो है, ये सिर्फ नाम के लिए. आज इलेक्शन इतना महंगा हो रहा है इनके वजह से हो नहीं है. मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप राज्य पॉलिटिक्स में आने के बाद, स्टेट पॉलिटिक्स के आने के बाद, आज जो 5 गारंटी सिद्धरामैया और मैडम जो महिला बाल कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने बेलगाम जिले में 8 लाख लोगों को जो गृहलक्ष्मी योजना लागू किए हैं, 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं. इस महंगाई के वजह से उनको हेल्प हो रहा है ना, इस महंगाई के वजह से हेल्प हो रहा है ना. तो आपको हेल्प होगा एमपी के इलेक्शन में, वो अलग बात. मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे सोच आम लोगों का भलाई सोचना, उन्हों देने न देना. मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस डेमोक्रेसी में हक, वोट देने का हक सबको है, किसको देना न देना, लेकिन सोचना ये चाहिए किसको देना, कौन काम कर रहे हैं कौन नहीं है.